नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कैंसर एक कष्ट साध्य रोग है, असाध्य नहीं। आयुर्वेद 5000 वर्षों पुराना वेद है, इसमें हर रोग का निदान वर्णित है। पहले समझें आयुर्वेद का मतलब क्या होता है। ये दो शब्दों का योग है, आयु प्लस वेद। किस तरह हमारा आहार विहार रहे जिससे हम निरोगी रहकर दीर्घायु प्राप्त हो सके। कैंसर की उत्पत्ति हमारे गलत रहन-सहन का परिणाम है। न हम समय से सोते हैं, न स्वास्थ्यवर्धक आहार लेते हैं, जो मिला खा लिया। यदि हम अपने रहन-सहन और दिनचर्या को ठीक कर लें तो कैंसर जैसे रोग पर निजात पा सकते हैं। ये विश्व की समस्या है, इस पर शोध की परम आवश्यकता है। मानव शरीर 5 तत्वों से बना है, रोग का निवारण भी प्रकृति से ही संभव है। आज जितना विकास हो रहा है उतना ही विनाश भी हम कर रहे हैं। कुछ बातों पर अमल कर हम कैंसर जैसे रोग पर विजय पा सकते हैं। दिनचर्या का सुधार परम आवश्यक है। प्रातः भोर में हम बिस्तर छोड़ दें, 1-2 ग्लास पानी पिएं, कुछ संभव योग करें। सूर्य नमस्कार सर्वोत्तम माना जाता है। स्नान ध्यान के बाद छाछ तुलसी दल का प्रयोग करें। तुलसी दल गौदुग्ध अमृत के समान है। इसके पश्चात ईश्वर का मनन करें, इससे मनोबल बढ़ता है। मनोबल ही उत्तम उपचार है। कहा गया है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। फास्ट फूड का त्याग करें। भोजन में सेब संतरा आदि फल, हरी सब्जी, दूध, शहद, गंगाजल, तुलसी दल, नीम के पत्ते का प्रयोग करें। इससे रोग निवारण क्षमता बढ़ेगी। आयुर्वेद में च्यवनप्राश, केसरी जीवन, हीरा भस्म, स्वर्ण भस्म, अश्वगंधारिष्ट, कैमून के बलारिष्ट, पंचासप, त्रिफलाप्राश आदि उत्तम औषधि है। डॉक्टर साहब, आज जो आपने अपना ये जो कैंप लगाया है, ये कार्यक्रम रखा है, थोड़ा इसके विषय में हमें बताइए। आज जो हमने कैंसर मनाया है, कैसे लोग कैंसर से बचें। आज कैंसर विश्व की समस्या है और लाखों में आदमी जाता है खर्चे में, उसके बाद भी बचता नहीं। हमारा मोटो है, आप नेचर को एडॉप्ट कीजिए और नीम की पत्ती, तुलसी की पत्ती, अदरक, सेब, संतरा, मौसमी, इसको लीजिए, अश्वगंधा, जटामासी, जिससे आप स्ट्रॉन्ग हो। कैंसर कोई बीमारी नहीं है, कैंसर एक भय है। इससे जो है किडनी, लिवर, फेफड़े, ब्रेन, हार्ट, ये डैमेज होता है। तो जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं वास्तव में वो इसको नॉर्मल करते हैं बस। डॉक्टर साहब, ये जैसे कि अंग्रेजी दवाओं का आज के समय में लोग बहुत उपभोग कर रहे हैं, तो कैंसर जैसी असाध्य जो बीमारी है, इसमें आयुर्वेदिक दवाओं का कितना योगदान है? यदि एलोपैथ विद आयुर्वेद हो तो 100%, लेकिन आदमी भटक जाता है, जो दिखावे में मरता है। पेपर में ऐड आ रहा है, टीवी में ऐड आ रहा है। क्या उपाय बताना चाहेंगे आप, चाहे वो आयुर्वेद में हो या हमारे दैनिक क्रियाकलापों में, रहन सहन में, खान पान में हो, तो उसके लिए क्या उपाय आप सुझाना चाहेंगे ताकि ये स्थिति ना पैदा हो सके? देखिए भाई, आयुर्वेद में सिद्धांत ये है, सबसे पहले सुबह उठिए, टहलने जाइए, सेब संतरा मौसमी लीजिए, दोपहर में धूप में बैठिए जिससे विटामिन डी मिले, ध्यान कीजिए जिससे कि मन आपका मजबूत हो, समय से सोइए, समय से उठिए, और साधारण दवाएं हैं अश्वगंधा, और आपका पेट सही रहे, तुलसी, नीम। ये आप कार्य जो कर रहे हैं, ये एक सेवा के कार्य की तरह कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं और क्या क्या कार्य किए हैं अपने सेवा कार्य में, थोड़ा सा उनके प्रश्न। मैं 45 साल से ही कर रहा हूँ, लोकतंत्र सेनानी हूँ मैं, 3 साल जेलों में रहा हूँ,
देश सेवा समाज सेवा पेपरों में लिखता रहा हूँ सन 80 से कैंसर एड्स हेपेटाइटिस लिवर जिससे आदमी को सपोर्ट मिले नर्वस ना हो। हमारे चैनल के माध्यम से सर जनता जनार्दन को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जनता जो है नेचर पे एडॉप्ट करे और ये जो दिखावा है इसको छोड़े, इसमें लाइफ नहीं है, लेकिन हम लोग सब विहीन है, गाय पिछाव बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? इसलिए बढ़िया है कि उसकी रीढ़ की हड्डी में स्वर छाल होता है, स्वर छाल रेजिस्टेंस बढ़ाता है, इसलिए कहा जाता है कि गाय का पेशाब दूध ये सेवन सेवन चीजें। कितनी उम्मीद जताई जाए डॉक्टर साहब की अगर बहुत ही स्टेज वाला कैंसर है तो उसको तब भी ये आयुर्वेद ठीक कर सकता है? यदि वो मन से रहे तो लंबी आयु मिले। आपने राजनारायण जी का नाम सुना होगा, राजनारायण जी को 70 में कैंसर हो गया, लेकिन वो नेता और फिलासफर होने के नाते दिन भर हंसना बोलना, ये तुलसी खींची मुंह में डाल ली, ये नीम खींचे मुंह में डाल ली, ये लोटा गंगा जल उठाया मुंह में डाल लिया, 18 साल जिंदा रहे। सर खान पान में भी किसी प्रकार का, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है तो उसको खान पान में किस तरीके का सावधानी बरतनी है? फास्ट फूड छोड़े, सेब संतरा मौसमी दूध दही रोटी मोटा अनाज, जैसे हमारे पीएम साहब बोल रहे हैं मोटा अनाज बहुत बढ़िया है, आपका पेट सही रहेगा, पेट सही रहेगा पेट बनने ही देना है आपका। इस खबर में बस इतना ही, बने रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ।